नाना पटोले होंगे स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नाना पटोले होंगे स्पीकर पद के उम्मीदवार। गठबंधन ने नाना पटोले का नाम दिया, तो कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है स्पीकर के लिए। बीजेपी ने किशन कठोरे का नाम दिया है, तो स्पीकर के लिए बीजेपी ने किशन कठोरे का नाम दिया, तो नाना पटोले स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार तीनों दलों की तरफ से। तो गठबंधन ने नाना पटोले के नाम पर मोहर लगाई है, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है। तो लगातार महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल जो है वो देखी जा रही है। और आपको बता दें कि नाना पटोले स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार होंगे तीनों दलों की तरफ से। तो गठबंधन ने नाना पटोले के नाम का दावा ठोका है, तो कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है। स्पीकर के लिए बीजेपी की तरफ से किशन कठोरे का नाम दिया गया है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद उद्धव ठाकरे की आज पहली अग्नि परीक्षा है और उद्धव सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करेगी। लेकिन बहुमत परीक्षण के पहले कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है और अब स्पीकर को लेकर जो नाम है वो नाना पटोले का सामने आ रहा है। तो गठबंधन ने नाना पटोले के नाम पर मुहर लगाई है, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि है। तो कांग्रेस चाहती है कि राज्य में एनसीपी के अलावा उनकी पार्टी का भी डिप्टी सीएम हो और नाना पटोले अब इस नाम पर तीनों दलों के गठबंधन की तरफ से मुहर लगाई गई है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुर्सी के मिलने के बाद ठाकरे उद्धव ठाकरे की आज पहली अग्नि परीक्षा, उद्धव सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करेगी। 162 विधायकों का दावा ठोका गया था, संजय राउत ने भी 170 प्लस ये ट्वीट करते हुए कहा, तो दावा उन्होंने ठोका है और आज यही बहुमत परीक्षण जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो हलचल है वो तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि नाना पटोले के नाम का अब नाम जो है वो सामने आ गया है, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि इस स्पीकर पद को लेकर एनसीपी कांग्रेस के बीच रसाकशी जरूर देखी जा रही थी, प्रस्ताव भी यहां पर रखा गया कांग्रेस की तरफ से कि अगर स्पीकर पद छोड़ते हैं तो दो डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन अब कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने इस बात की पुष्टि की है कि नाना पटोले स्पीकर के तौर पर होंगे।